तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई थिंक सभी सभी अच्छे हो गए। टॉपिक इन आदर जी टॉपिक होने वाला है। क्या इशू भाई, जी टॉपिक होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड रुकना यार, चश्मा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उस चश्मे का नंबर ज़्यादा है, लेकिन उससे मुझे परफेक्ट दिखाई देता है। इस चश्मे का नंबर 2 नंबर है, जब 2.25 एंड 2 नंबर, ठीक है, जबकि इसका 3 नंबर से ऊपर है। सो डेफिनेटली चलो एयरफोर्स पे मैं बता दूँ, अगर वाई ग्रुप के लिए जाना चाहते हो तो कहते हैं कि 3 नंबर तक चल जाता है, 2.75 3 नंबर तक हो जाता है। अगर एक्स ग्रुप पे जाना चाहते हो 1.5 तक होना चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे अगर क्लासेस यूज करते हो। क्या बताने वाले हो? तो नेक्स्ट टॉपिक जीडी टॉपिक है। जीडी टॉपिक क्या होने वाला है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अंशु भाई, ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता क्या है? मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसा बोल रहे होगा। कुछ के दिमाग नहीं आ रहा हो, कुछ को तो बहुत आ रहा होगा कि हाँ अपना तो अभी से बोल देंगे, उड़ा देंगे। ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है मोस्टली। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता क्या? देखो पहला नंबर मैं कुछ बात बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लिया होगा आई थिंक आप सभी ने, और इंट्रोडक्शन अच्छे से और अच्छा कर लेना, जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे होंगे, जो ऐड लगने फैक्ट, मतलब ज़्यादा कुछ स्मार्ट भी बनने का कोशिश मत करना वहाँ पे। इन माई मतलब मेरे कहने का मतलब आप रियलिटी पे ही रहना, इधर उधर मत भाग जाना कि कुछ ज़्यादा ही वो। मैं बोल देता हूँ हर एक वीडियो कि आपका इंट्रो अच्छा होना चाहिए, इंट्रो अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली इंट्रो आपका जैसा भी हो, मुझे मेल पे वीडियो कर सकते हो, फॉरवर्ड कुछ कैंडिडेट्स ने किया भी है, अच्छा लगा है, मैंने उसे अपने कम्युनिटी टैब पे यूट्यूब की स्टोरी पर डाल भी दिया है। चलो अनदर जीडी टॉपिक क्या है इशू भाई? ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है क्या? तो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर फोन की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। 2-3 तरीके से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अभी कुछ नहीं आता, बट वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ आने लगेगा। क्या सच में? हाँ तो देखो ना, अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बॉयज, मतलब सॉरी बॉयज नहीं, वेयर अ गर्ल्स एंड वुमेन्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कैन टेक पार्ट, एक कंपटीट करती है एक लेवल पे, जहाँ पे कहता है भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब कि केवल सुंदर लड़कियाँ या सुंदर औरतें ही, ठीक है, वहाँ पे जाके मतलब उस कंपटीशन को जीत सकती हैं, ऐसा नहीं। अगर आपने आपको इसमें डैम शेयर करना है कि या डेफिनेटली मैं ये सेक्शन ये अगर आ जाएगा तो मैं उड़ा दूंगा, तो मैं बोलूँगा कि आपको जो अभी तक मिस यूनिवर्स हुई हैं और मिस वर्ल्ड हुई हैं उनके आपको नाम याद कर लेना है। लाइक 2016 पे भारत की बनी थी मानुषी छिल्लर, या फिर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर थी तो रीता फारिया, ठीक है, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, और अगर मिस यूनिवर्स की बात कर लो तो सुष्मिता सेन। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, बट कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आपको ये याद करें, ठीक है। एक दो याद कर लोगे तो एग्जाम्पल, जब आप जीडी बोलोगे ना तो उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड रीता फारिया एंड सेकेंड ऐश्वर्या राय, ऐसा कुछ तो नहीं लगेगा कि भाई बंदे को जीके का भी नॉलेज है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका जीके टेस्ट होता है। चलो भाई टॉपिक पे आते हैं। तो ब्यूटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट लाइक जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन्स कैन कम्पटीट, ठीक है। अब कहते हैं कि भाग तो ले सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, तो केवल क्या मतलब ब्यूटी ही नहीं भाई, ब्यूटी नहीं, वहाँ पे उनकी स्किल्स चेक की जाती है, माइंड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और इससे ज़्यादा वुमेन्स को फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है नुकसान भी होता है। लाइक कोई नहीं जीता तो ये मेंटेलिटी नहीं बनानी चाहिए कि हाँ वो हार गया भाई मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, तो ये वाला कंपटीशन नहीं होता है, लाइक ऐसा आप बोल सकते हो। वन मोर थिंग मैं और बताना चाहूँगा कि केवल ब्यूटी विद कॉन्टेस्ट, केवल सुंदरता ही नहीं, वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ जज की जाती है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लेना, आई थिंक लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका की जो थी वो जीती थी, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं तो मैं गलत बताना नहीं चाहता, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर, चलो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आप पूरा पढ़ लेना, बाकी उसके प्रॉस ज़्यादा हैं, कॉन्स बहुत कम है, क्योंकि उसके थ्रू लाइक वुमेन्स को एक मतलब कि एक अच्छी मतलब उन्हें लगता है कि अच्छी पोजीशन मिलती जा रही है, उन्हें जॉब्स के लिए भी ऑफर, जॉब्स भी ऑफर किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, कोई भी डाउट बनता हो तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन है या फिर अपने चैट ग्रुप या फिर पूछ सकते हो मुझसे। बाकी थैंक यू, पसंद आया वीडियो तो शेयर जरूर करना। चलते हैं फोन की स्क्रीन पर टॉपिक, तो यहाँ पे चलते हैं और वीडियो ले लेना टेलीग्राम चैनल से। टॉपिक नंबर 9th होने वाला है। इससे पहले मैंने कितने टॉपिक कराए? 8 टॉपिक कराए होंगे, ठीक है, जिसके लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएंगे। जिया जाके आप BFT और SRT के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एयरफोर्स फेस सेकेंड जब वाली जाके प्ले लिस्ट को देखना पड़ेगा और उसमें सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइप फर्स्ट, अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट फॉर द पीजेंट। According to me, beauty contests are providing women a good platform to showcase their talent and skills. एक ऐसा platform हमें provide करता है girls को, women's को, जहाँ पे वो अपना talent show करती हैं, skills show कर सकते हैं। It's not an easy task to perform. एक easy task नहीं होता है परफॉर्म करने के लिए। Only beauty with brains can win the pageant. मतलब beauty वाली तो ठीक है, लेकिन उनके पास mind वाली capacity भी, skills, talent सब कुछ होना चाहिए। These contests help the women to show that they are no less.
कुछ फैक्ट निकाल सकते हो। वैसे वो मेरे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी वो भी करा देंगे, सो डोंट वरी। दिस कॉन्टेस्ट हेल्प द वुमेन टू शो दैट दे आर नो लेस एंड गिव्स देम न्यू अपॉर्चुनिटीज। इट ऑल्सो हेल्प देम टू रियलाइज देयर कॉन्फिडेंस। एन ऑर्डिनरी गर्ल कैन गेट अ सेलिब्रिटी स्टेटस इन नो टाइम। एक असाधारण सी लड़की स्टेटस मतलब इन अ शॉर्ट टाइम एक ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके वो एक मतलब सेलिब्रिटी टाइप में बन सकती है छोटे से समय में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग बट ऑल्सो द गर्ल कैन लर्न टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एज दे हैव टू डू लॉट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, थैंक यू। ये तो अपना पार्ट फर्स्ट हो गया जो मैंने लिखा था। सेकेंड आते हैं टाइप सेकेंड की ओर। हेलो एवरी वन, आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज एज वेल Everything has their pros and cons. So I also think if beauty contests are degrading womanhood, then obviously it is increasing her values as well. कोई कहता है अगर किसी मतलब कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसी मतलब वुमेंस के स्तर को नीचे करता है देन ये उनके वैल्यूज को बढ़ाता भी है। वी शुड नॉट थिंक ओनली निगेटिव थिंग्स। हमें निगेटिव थिंग्स को नहीं सोचना चाहिए, इवन वी शुड इंकरेज द पॉजिटिव थिंग्स। एक बात बताऊं यार, आप में से जितने भी लोगों मेरा वीडियो देख रहे हो वहाँ पे निगेटिव की बात ही ना करना इस टॉपिक में, आप पॉजिटिव ही रहना। ठीक है, पॉजिटिव ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैंने लिख दिए हैं, आप में से कोई ज़्यादा भयंकर वाला इंग्लिश बोल लेता हो तो जा सकता है क्योंकि उससे फिर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना होगा। वट आर द थिंग्स विच इज़ रियली गुड एंड वी शुड इंकरेज वुमेन टू डू दैट। नंबर एक, अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू वुमेन। It is providing a platform to women to make her own identity. She has that talent and confidence by which she... ...identity बना सकती हैं। वो टैलेंट है जो उन्हें वर्ल्ड को जीतने में मदद कर सकता है। अगला, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर नॉट डिपेंड ओनली ऑन अ ब्यूटी। ये मैंने पहले भी बोला है, दे हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया टू टेक द पार्टिसिपेंट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड विन द कॉम्पिटिशन। सो ऑब्वियसली इफ सी इज टैलेंटेड ओनली दिस देन सी कैन टेक द पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन। अगर वो टैलेंटेड है तभी वो कॉम्पिटिशन में भाग ले सकती हैं या ले सकती हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल स्टार्ट टू नोइंग अबाउट द फेवरेट मॉडल्स लाइक व्हाट सी लाइक्स टू वियर। वो क्या मीन्स पहनना पसंद करेगी, हाउ सी बिहेव्स विद अदर्स, वो कैसे दूसरों से बात करेगी, व्हाट सी हैज डन टू सी इज देयर, मतलब क्या होगा जब वो वहाँ होगी, हाउ सी थिंग्स, कैसे सोचेगी। सो थ्रू दिस थिंग वी कैन एक्सप्लोर गुड थिंग्स लाइक वी कैन एक्सप्लोर अवर कल्चर, वी कैन एक्सप्लोर गुड हैबिट्स इन फॉलोअर्स। ओके, इवन इफ वन वुमन टेक्स अ गुड स्टेप देन अदर वर्ल्ड वाइड वोमेन गेट इंस्पायर्ड विथ हर। अगर ये एक अच्छी लाइन है, आप ये वोमेंस एम्पावरमेंट में भी ऐड कर सकते हो। अगर एक वोमेन अच्छा स्टेप लेती है तो अदर्स भी उससे इंस्पायर होती हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे भाई एक कोई ऐसे चलता है तो फिर सभी, अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो फिर सभी चाहेंगे कि हाँ मैं भी ऐसे ही जाऊँ, कुछ नया नहीं करने का प्लान, ज़्यादा आदमी सोचना नहीं चाहता। ठीक है, क्या है, एंड इंस्पिरेशन इज रियली नीड फूड फॉर अवर कंट्री डेवलपमेंट। येस, वी शुड अवॉइड फॉर थिंग्स एज वेल। हमें कुछ इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्या है, वी शुड नॉट मेक दिस प्लेटफॉर्म टू शो अवर बॉडी, इन स्टेड ऑफ दिस वी शुड प्रमोट अवर कल्चर। हमें ऐसा नहीं कि भाई बॉडी ही दिखाना है, हमें यहाँ पे ये भी करना चाहिए, अपने कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। सो नॉट टेक इट जेलियसली एंड ऑल, इफ समवन इज हैविंग गुड टैलेंट देन सी विल बी फेमस, सो वी शुड लर्न फ्रॉम देम। हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई वो फेमस हो गया, हम क्यों नहीं हुए, हम उनका एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, ऐसा आपको बोलना है। Having good, अगर कोई अच्छा है तभी वो फेमस हुआ है। Do not consider this thing as everything, it's part of life. Should not take the beauty medicine and all. Okay? आगे बढ़ते हैं। Thank you to read this. अगला, good morning friends. यहाँ पर type third. Everyone has puts his views, points, whatever you all think. I want to put my view. Okay, यहाँ पर मैं अपने views को put करना चाहता हूँ। According to me, beauty contests are not degrading womanhood. कम नहीं करता, ऐसा कौन कहता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज नॉट मेयरली एनी एक्सपोजिंग कॉन्टेस्ट एज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स थिंक। वाई कैन नॉट वी सी द गुड एस्पेक्ट ऑफ इट। आई वॉन्ट टू पुट सम पॉइंट्स इन फैक्ट सम पॉजिटिव पॉइंट्स। देखो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं पुट करने जा रहा हूँ। इट मेक्स वुमेन मोर कॉन्फिडेंट बिफोर द वर्ल्ड। इट गिव चांस टू वुमेन टू फाइंड देयर हिडन क्वालिटी। एक वुमन को एक चांस देता है कि अपनी जो हिडन क्वालिटीज हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिवेल कर सकें। इट्स नॉट ओनली द फिजिकल अपीयरेंस विच इज नोटिस्ड इन द वुमेन बट इट टेस्ट देयर नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट, देयर कॉन्फिडेंस, देयर एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन इन क्रिटिकल सिचुएशन। डोंट दीज
डोंट दीज थिंग्स मेक वोमेन ऑफ अवर सोसाइटी सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट. डोंट दीज थिंग्स मेक वोमेन ऑफ अवर सोसाइटी एम्पावर्ड. यस दिस इज अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी. सो जस्ट वन फॉर अ सिंगल थिंग वी कैन नेग्लेक्ट ऑल गुड थिंग्स रिलेटेड इट टू इट. मतलब मैन टाइप की थोड़ा सोसाइटी है तो आपको ये वाली चीज़ें हटा देने. इग्नोर आपने सुना निगलेक्ट यहाँ पे दिया. निगलेक्ट एंड इग्नोर बोथ आर सेम. My friend's womanhood is not about just living in a home as a wife, doing everything according to her husband. According to me, womanhood shows their ability to excel in a various aspect, various situation of their life. In the end, I would like to conclude that beauty contests are not degrading the womanhood, but working in a favor of womanhood. मतलब degrade किस I have to wear such types of clothes in which their body is exposed, like swimming, tennis. So should we ban those games also? ऐसा मैं देखो भाई जी डी की वजह से बता रहा हूँ. ग्रुप डिस्कस जो निगेटिव फैक्ट मैं जाना चाहता हूँ ऐसा भी बोल सकता है. ठीक है, बाकी ये नहीं है कि मैं अपने पर्सनल व्यूज़ यहाँ पे दे रहा हूँ. मुझे हाँ जो बेस्ट लगा वो मैंने यहाँ पे दो तीन तरीक़ों से टाइप कर दिया. मे भी कुछ इरर हो सकता है. सो ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहीं कहीं पे टेंसेस का इरर बाई मिस्टेक हो जाता है, बट आई विल ट्राई. दो तीन बार चेक करने के बाद ही मैं इसे करता हूँ. There are many games. हो गया टेनिस. टेनिस सो शुड वी बैन दोज गेम्स ऑल्सो. एवरीथिंग हैज सम बैड थिंग्स रिलेटेड टू इट और मे बी इवन वन सी थिंग्स इन डिफरेंट वेज मेक इट विच वेज विच मेक इट अ बैड. थैंक यू भाई. और पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं था. आई थिंक हमने पूरा अर्थ वगैरह भी नहीं बताता क्योंकि सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ जिससे सभी को समझ में आ जाएगा. अगर आप एग्ज़ाम निकालोगे तो आपको डेफिनेटली ये कट भी जाओगे, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं. हाँ, एक बात और बताना चाह रहा था आप सभी से. आप में से जितने भी लोग अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेना चाहते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है. अपना कूपन कोड है ऑनलाइन डी फिफ्टी डाल के प्लस कोर्स ले सकते हो. प्लस कोर्स के फ़ायदे क्या होते हैं? प्लस कोर्स के फ़ायदे यही होते हैं कि वहाँ पे आपको मीन्स जो प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं उनमें होता क्या है कि प्रॉपर क्लासेस में आपको सारे के सारे वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाते हैं. जबकि ऑफलाइन में होता क्या, आप ऐसे यूट्यूब पे पढ़ते हो या कहीं भी मिलते हो, यहाँ पे भी क्लासेस मिलते हैं लेकिन इधर उधर मिल जाते हैं. तो कुछ रुपए देके अगर आपको एक परफेक्ट वे से पढ़ना है तो वहाँ पे ज़रूर ले सकते हो. बाय करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन डी 50 डाल देना, क्योंकि उससे 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा. बाकी थैंक यू. वीडियो जैसा लगा वो कॉमेंट में बताना. जय हिंद.